चलिए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी शहर, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के ठीक पीछे ही हम आपको दृश्य दर्शाने जा रहे हैं सड़कों की। आज बात की जाए सड़कों की तो भिवंडी शहर में कई जगह सड़कों के कारण बहुत सी घटनाएं हो चुकी है, दुर्घटनाएं हो चुकी है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के ठीक बगल यानी कि पीछे वाली रोड पर, जहां पर अंबेडकर नगर के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह धूल मट्टी उड़कर दुकानों में जाती है, जहां पर स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो सड़क को अनदेखा करते हुए नजर आ रही है नगर पालिका, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हुए नजर आई। इसे में हमने स्थानिक से मुलाकात की, स्थानिकों ने जानकारी दी कि रोजाना हमें दुकानों में कम तकरीबन 4 से 5 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है, आखिरकार कब भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका इस रोड के ऊपर ध्यान देगी। ऐसे में हम लोगों ने, हमारे चैनल के संवाददाता ने स्थानिकों से मुलाकात की, लारा ग्रुप के लोगों ने भी हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी देते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। हम भिवंडी महापालिका के हसीन कबीर बाजू में न्यूसलामपुरा जो मेन थाने के बच्चे रोड है, वहाँ रोज धूल मट्टी रिक्शा जो गाड़ी आती जाती है, रोड खराब होने की वजह से जो भी मट्टी है वो दुकान के अंदर आती है। दिन में हमको 4 से 5 बार उस पर झाड़ू मारना पड़ता है। आज भी ये मट्टी टेबल के ऊपर देखो, ये मट्टी आपको नज़र आएगी। ऐसा हमको 5-6 बार रोज झाड़ू मारना पड़ता है, इसके बाद हमें रोज तकलीफ होती जा रही है और इसमें गंभीर बीमारी होने की भी संभावना है धूल मट्टी से। इसलिए भी मेरे को अच्छा है, बहुत अच्छा रहे, मेहरबानी रहेगी। यहाँ पर रोजाना जो मट्टी दुकानों के अंदर घुसती है, किस तरह का तकलीफों का सामना करना पड़ता है आपको? अरे ये धूल मिट्टी की वजह से ना हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, हमारे मुंह में आती है, कई बार हमको खांसी आती है। इससे हो सकता है कि हमें, हमारी तबीयत खराब हो, फिर हम अपनी दुकान पर टैंग ना दे पाए। इसकी वजह से, धूल मिट्टी की वजह से हम लोग इसकी कंप्लेंट 2-3 बार डाल ली हम लोग, लेकिन कोई चीज़ का प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग कब से कंप्लेंट कर रहे हैं, अब हो सके तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए। और ये धूल मिट्टी रात दिन हम लोग काम कम करते हैं, टेबल उबल साफ ज़्यादा करते हैं, ये धूल मिट्टी से हम लोग बहुत परेशान होंगे, प्लीज़ इसका कुछ करिए। धूल मट्टी दररोज तुमच्या दुकानामध्ये येतो। भिवंडी निजामपूर शहर महानगर पालिका मुख्यालय जवळच आहे आणि त्याच्या पाठीमागे एक रोड आहे, ते रोडची दशा आणि दुर्दशा एवढं खराब आहे की त्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास होतो, काय म्हणतो? आमच्या ह्या रोडची अशी कंडिशन खराब झाली आहे की ह्या लाईनला जेवढे धंदेवाले आहेत सगळ्यांचे आरोग्य मोठं धोक्यात चाललं आहे। दिवसभर धूळ उठते, मशीनरी खराब होतात, शारीरिक त्रास होतो, खोकले लागतात, रोग लागतात, कोणाला टीबीचे प्रकार वाढत चालले आहेत, असे मोठे मोठे आजार लोकांना जडत चालले आहेत ह्या रोडच्या कंडिशनमुळे। दिवसभर धूळ उडत असते, डांबरीकरण नाही, स्वच्छता नाही, साफसफाई चांगल्या प्रकारची होत नाही, म्हणून नगरपालिकेला आम्ही विनंती करतो की आमच्या रोडची लवकरात लवकर दुर्दशा दूर करावी, जेणेकरून नागरिकांचे जे आरोग्य आहे ते धोक्यात नाही येणार आणि पुढे आम्हाला पाऊल नाही उचलता येणार। तरी मी सगळ्यांना विनंती करतो की महानगरपालिकेने संबंधित विभागाने सगळे मिळून रोडची सर्वे करून जे लोकांचे, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत चाललंय ते येऊ नये, याच्यासाठी लवकरात लवकर रोड बनवायची विनंती करतो, एक नागरिक घ्या ना त्याने। रोड पे हा रोड खूप वर्ष झालाय, 2-3 वर्षापासून असाच खराब झालेला आहे, हा बनत नाही। हा तुम्ही बघू शकता की भिवंडी महानगरपालिका मुख्यालयाच्या मागचा रोड आहे। प्रश्न असा निर्माण होतो की इथून रोज मुख्यालयाचे अधिकारी जातात, मुख्यालयाचे अधिकारी जाऊन सुद्धा हा रोड बनत नाही। प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की शहराच्या मुख्यालयाचे अधिकारी जाऊन अगर त्यांच्या इथून तर हा रोड बनत नाही तर शहराचा विकास होईल का, असा एक प्रश्न निर्माण झालेला आम्हाला। तर आमची कल्पनेची विनंती आहे की तुम्ही ही बाईक घेत आहात आमच्याकडून, आमचा आवाज तुम्ही कमिशनरपर्यंत पोहोचू शकता, एक आम नागरिकाचा आवाज, आणि ह्या रस्त्याचं लवकरात लवकर दुरुस्तीकरण होऊन त्याचा मार्ग काढायचा। त्याचा काय होईल, या रस्त्यावर दुर्घटना खूप झालेल्या आहेत, पण दुर्दैव असं आहे की त्यात कोणताही अपघात झालेला नाही। अगर या रस्त्यात अन्यथा दुर्घटना झाली ना होण्याचा, अगर लवकरात लवकर ना म्हणलं तर आम्ही आमच्या लारा ग्रुप करून आंदोलन करू आणि म्युनिसिपालिटीवर मोर्चा नेणार आहोत। दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।